दुनिया खौफ में है और चाइना मौज में है। जब पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से लॉकडाउन और कहीं कहीं तो कर्फ्यू फेस कर रही है, तब चाइना अपने बाजार खोलने में व्यस्त है। चीन में लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, लेकिन इसी बीच विश्व भर से मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक बड़ी चेतावनी आई है कि चाइना में फिर उठ सकती है कोरोना की सुनामी। मेडिकल एक्सपर्ट्स कम्युनिटी इसे कोरोना वायरस वेव 2 के नाम से पुकार रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बात सत्य है कि चीन में नए कोरोना के केसेस बेहद कम हो चले हैं और कोरोना आउटब्रेक चीन में सप्रेशन फेज में चल रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि चीन में अब भी हजारों की संख्या में ऐसे कोरोना केसेस हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमैटिक हो, यानी कि माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन जिन लोगों में हो जिनमें अभी भी कोई भी कोरोना के लक्षण सामने ना आए हो। ऐसे लोगों में कोरोना घर कर रह सकता है और जैसे ही कोई कमजोर इम्यून सिस्टम वाला होस्ट मिले, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाला कोई व्यक्ति मिले, ऐसे में अगर वो संपर्क में आता है एसिम्प्टोमैटिक कोरोना कैरियर्स के, तो हो सकता है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाला शख्स कोरोना का शिकार बन जाए, कोरोना मरीज बन जाए और एक बार फिर कोरोना संक्रमण की नई लहर चल पड़े, कोरोना वेव 2। देखिए, बात सिर्फ ये ही नहीं कि अगर चीन में फिर से संक्रमण फैला तो वहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी, जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा, संक्रमण दूसरे देशों में और फैलेगा, ये समस्याएं तो है ही। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वायरस प्रजाति की एक खासियत होती है, इनमें म्यूटेशन होता है, यानी कि ये काफी तेज गति से इवॉल्व करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जैसे हम इंसानों को बंदरों से इंसान बनने में जो करोड़ों वर्षों का अंतराल लगा, वो ये वायरस बेहद तेजी से महज कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंतराल में करने में सक्षम होते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस रूप नहीं बदल रहा है, लेकिन सूक्ष्म जीवों में म्यूटेशन की प्रकृति तो होती ही है और सूक्ष्म जीवों में बदलाव बड़ी तेजी से आते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोरोना वायरस की वेव 2 में कोरोना का जो नया स्ट्रेन निकलेगा वो हो सकता है वुहान स्ट्रेन से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा संक्रामक, ज्यादा इन्फेक्टिव, ज्यादा घातक हो, जिसमें ज्यादा मॉर्टैलिटी रेट हो, जिसमें ज्यादा लोग प्रभावित होकर मर रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो विपत्ति पूरे विश्व के लिए बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस नए इंप्रूव्ड कोरोना स्ट्रेन से लड़ने के लिए चीन ही नहीं पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम को भी वायरस के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। और एक बात पक्की, अगर चीन में कोरोना आउटब्रेक रिपीट हुआ तो पूरी गुंजाइश है कि यूएसए, इटली जैसे देशों में भी कोरोना के वेव 2 की सुनामी उठ सकती है, और तब केवल एक ही चीज दुनिया को बचा पाएगी, वो है अनिश्चित काल तक के लिए लॉकडाउन और धरती पर मौजूद हर शख्स का कोरोना टेस्ट। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पूरे विश्व के लिए। अगर एक भी शख्स छूटा टेस्ट से तो ये कंफर्म है कि वेव 3 भी जरूर आएगी। सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए कोरोना के टेस्ट किट बनाने की होगी। इनका खर्च पूरे विश्व को इतिहास की सबसे बड़ी मंदी के रसातल में धकेल देगा। ये मान के चलिए कि अगर पूरी दुनिया 6 महीने के लिए लॉकडाउन में चले जाए और विश्व के हर व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करने की जरूरत आन पड़े, तो पूरा विश्व और ह्यूमन डेवलपमेंट वापस 1980 के दशक में लौट जाएगी और हम 3-4 दशक पीछे चले जाएंगे। हो सकता है तब हम इंसानों को समझ आए कि जानवरों को अकेला छोड़ देना ही जायज है। हो सकता है तब चीन को समझ आए कि बढ़ती पॉपुलेशन को कम करना ज्यादा जरूरी है वन्य जीव जंतुओं की गिनती कम करने से। हो सकता है दुनिया भर के साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी से, पूरी मानवता से आह्वान करें कि अब आप सब वेजिटेरियन हो जाइए, शाकाहारी हो जाइए, जंगली जानवरों में पाए जाने वाले वायरसों का इंसानों में घुसना बंद हो जाएगा। हो सकता है पूरी दुनिया तब प्रकृति की तरफ लौट आए, पर्यावरण की कदर करे, मिट्टी की कदर करे और पेड़ पौधों पर भोजन के लिए निर्भर हो। देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप सब लॉकडाउन का पालन करने से पीछे हटे तो ये श्योर है कि हम सबका लॉकडाउन जल्दी ही अनिश्चितकालीन कर्फ्यू में बदल जाएगा। जितना हो सके लोगों को इस स्थिति की गंभीरता से अवगत कराएं, इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि हर भारतीय तक ये संदेश पहुंच सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।